हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वीएस एस्ट्रोलॉजी। मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं वीएस एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शनि की महादशा का क्या इफेक्ट होता है, शनि महादशा का क्या असर होता है आप पर। दोस्तों, अभी तक मैंने जो वीडियो बनाए वो एक शनि की सीरीज बनाई जिसमें शनि डिफरेंट हाउस में किसी भी व्यक्ति को क्या फल देते हैं, डिफरेंट हाउस में डिफरेंट लग्न के कुंडली में डिफरेंट राशि के साथ किसी भी व्यक्ति को क्या फल देते हैं, ये मैंने एक सीरीज बनाई थी जो पहले घर से लेकर 12 घर तक शनि होंगे और उसके क्या असर होंगे ये मैंने उसमें बताया। अब दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि शनि की महादशा का क्या असर होगा आपके ऊपर, शनि महादशा का क्या इफेक्ट होगा। दोस्तों, एक बात जान लीजिए कि जो शनि महादशा का पीरियड होता है वो 19 वर्ष का पीरियड होता है। अब जो महादशा होती है वो महादशा एक वो चीज होती है कि उस पर्टिकुलर ग्रह की, जिस ग्रह की महादशा आपको चल रही है उस पर्टिकुलर ग्रह का आपके ऊपर उस टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। यदि आपको महादशा चल रही है, चलने वाली है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर उस ग्रह का, जिस ग्रह की महादशा चल रही है, चलने वाली है, का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अब दोस्तों, जो प्रभाव पड़ेगा वो कैसे जाने, अच्छा प्रभाव होगा या बुरा प्रभाव होगा ये कैसे जाने। दोस्तों, एक मैं कहीं देखता हूँ कि लोग प्रेडिक्शन स्टार्ट कर देते हैं और ये इस बात का दुख भी होता है कि लोग सीधे सामूहिक तौर पर, एक सार्वजनिक तौर पर, यूनिवर्सल तौर पर एक प्रेडिक्शन स्टार्ट कर देते हैं। मान लीजिए शनि की बात कर रहे हैं तो शनि की महादशा यदि बात आई तो शनि से थोड़ा सा बच के रहिए, शनि बुरा परिणाम देने वाले हैं, न्यायप्रिय देवता हैं, एक हार्ड प्लैनेट है शनि तो बुरा परिणाम होगा। एक्चुअली ये सब डराने की बातें होती है, पूरी तरह ये बात सही नहीं होती। हाँ, न्यायप्रिय देवता हैं सही बात है, हार्ड प्लैनेट है, अनुशासित ग्रह है सही बात है, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है कि शनि की महादशा चल रही है तो बुरा परिणाम ही मिलेगा। एक्चुअली पूरी तरह सही नहीं होता है। शनि की कोई भी ग्रह हो दोस्तों, मैं एक बात आपको बता दूँ, कोई भी ग्रह ना तो अच्छा होता है ना बुरा होता है, अच्छी या बुरी उस ग्रह की प्लेसमेंट होती है। वो ग्रह किस राशि के साथ है, किस लग्न की कुंडली में है, किस ग्रह के साथ बैठा है, इसका सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए राहु केतु की बात करें तो राहु केतु बुरे ग्रह हैं तो बुरा परिणाम देंगे, ऐसा नहीं होगा। अब जैसे सूर्य है, गुरु है, तो ये अच्छा ही फल देंगे, ऐसा भी नहीं होगा। हर ग्रह आपकी पर्टिकुलर कुंडली में किस जगह पर बैठे हैं, किस तरह से बैठे हैं, उनकी प्लेसमेंट कैसी है, ये डिसाइड करेगी कि आपको उस ग्रह की महादशा में अच्छा फल मिलेगा या बुरा फल मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं सामूहिक तौर पर सबके जैसे ये नहीं कहने वाला कि शनि की महादशा है और ऐसा कर लीजिए वैसा कर लीजिए, शनि की महादशा में आपको अच्छा फल मिलेगा या शनि की महादशा में आपको बुरा फल मिलेगा, मैं ऐसा नहीं कहूँगा सबके जैसे। मैं आपको एक पर्टिकुलर वे बताऊँगा कि जिससे आप जान सकेंगे कि पर्टिकुलर आपके लिए, पर्टिकुलर आपकी कुंडली के लिए शनि की महादशा कैसी है। क्योंकि आप बहुत से लोग मुझे देख रहे हैं और आप, मैं सामूहिक तौर पर ये कह दूं कि शनि की महादशा बुरी होगी, आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, ये आपके साथ भी नाइंसाफ़ी होगी और मेरे एज ए ह्यूमन बींग मेरे साथ भी नाइंसाफ़ी होगी। तो मैं सामूहिक तौर पर, मैं सार्वजनिक तौर पर यूनिवर्सल ये नहीं कहने वाला कि शनि अच्छे ग्रह हैं या बुरे ग्रह हैं। मैं आपको एक पर्टिकुलर वे बताता हूँ, एक पर्टिकुलर रास्ता बताता हूँ जिससे आप लोग ये जान लेंगे कि शनि आपके लिए अच्छे हैं या शनि आपके लिए बुरे हैं। अब दोस्तों, वो रास्ता क्या है, मुझे यही रास्ता सूझा इसलिए मैं ये रास्ता बता रहा हूँ। दूसरों के जैसा मैं फालतू भाषण नहीं देना चाहता शनि पर कि शनि न्यायप्रिय हैं वगैरह वगैरह वगैरह, मैं पूरा भाषण नहीं देता, मैं सिर्फ एक एग्जैक्ट चीज़ आपको बता देता हूँ और उस चीज़ से आप जान लीजिए कि शनि आपके लिए पर्टिकुलर आपकी कुंडली पर, पर्टिकुलर आप पर क्या फल देने वाला है। दोस्तों, वो रास्ता है, इस चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाएं, शनि की जो मैंने सीरीज़ बनाई है, शनि पहले घर से लेकर शनि 12वें घर तक जो मैंने सीरीज़ बनाई है वो सीरीज़ आप देखें। आप अपनी कुंडली को पहले देख लें कि आपकी कुंडली के लिए शनि की प्लेसमेंट जो है वो किस घर पर है। मान लीजिए आपकी शनि की प्लेसमेंट 10वें घर पर है तो सैटर्न इन 10th हाउस वाला वीडियो देखें, शनि दशम भाव वाला वीडियो देखें और उसमें आपके लिए शनि के क्या फल हैं ये जान लीजिए। वो जो फल हैं वो शनि महादशा के फल आपके लिए हो जाएंगे। अब मैं कह दूं कि शनि की महादशा अच्छी होगी तो क्या अच्छी होगी, आपको अच्छा पैसा मिलेगा या आपकी संतान अच्छी रहेगी या आपके माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका भाग्य अच्छा रहेगा, आपकी वाइफ अच्छी, क्या अच्छा रहेगा।
तो आपको उस वीडियो में यह भी पता चल जाएगा कि आपके लिए अच्छी यदि रहेगी तो क्या अच्छी रहेगी और बुरी यदि रहेगी तो किस क्षेत्र में बुरी रहेगी। तो आप उस प्लेलिस्ट में जाएं, आप वो वीडियो देखें, वो वीडियो का जो सार निकल के आएगा वो शनि महादशा का जो आपके ऊपर इफेक्ट आने वाला है वो रहेगा। एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं कि दोस्तों जो महादशा होती है, मान लीजिए शनि की महादशा आपके लिए बुरी हो गई, आपने कोई ऐसा वीडियो देखा उसमें शनि आपके लिए गलत प्लेस्ड है और आपके लिए शनि की महादशा बुरी हो गई। अब दोस्तों जो महादशा होती है, सिर्फ महादशा ही नहीं चलती उस पीरियड में, मान लीजिए 19 वर्ष है तो शनि 19 वर्ष तक शनि की महादशा ही नहीं चलेगी, अंतर्दशा भी होगी, प्रत्यंतर दशा भी होगी, सूक्ष्म दशाएं भी होंगी। तो यदि शनि बुरे हैं तो जो अंतर्दशा है उस अंतर्दशा के स्वामी है, मान लीजिए कि आपको शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, तो शुक्र यदि आपके लिए अच्छे हैं तो आपके लिए वो वहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट एक मिलेगा, मतलब शनि का जो एक नेगेटिव रिजल्ट है वो कम हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं कि 19 वर्ष आपको बुरे परिणाम ही मिलेंगे यदि आपके शनि यदि गलत घर में प्लेस्ड हैं। जो अंतर्दशा चल रही है उस वो ग्रह यदि आपके अच्छे हैं तो आपको एक अच्छा फल भी मिलेगा उस पर्टिकुलर पीरियड में। इसी तरह इसका विपरीत भी मैं कह सकता हूँ कि यदि शनि आपके लिए बहुत अच्छे हैं लेकिन जो अंतर्दशा आ रही है वो ग्रह आपके लिए ख़राब है तो हो सकता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको एक बुरा फल भी मिले या शनि का उतना अच्छा फल उस टाइम पीरियड में कम मिले। अब दोस्तों आपको मैंने महादशा का जो इफेक्ट है आपके ऊपर उसका एक पर्टिकुलर सही रास्ता बता दिया कि पर्टिकुलर आपकी कुंडली के लिए आपके ऊपर शनि महादशा का क्या असर पड़ेगा। लेकिन दोस्तों जो मैंने अंतरदशाओं की बात की तो फिलहाल अभी फरवरी 2017 का लास्ट वीक चल रहा है, अभी आपको दूसरे जो ग्रह हैं उनकी प्लेसमेंट के वीडियो आपको अभी फिलहाल नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ स्टेप बाय स्टेप समय के साथ साथ वो वीडियोस भी अभी अपलोड किए जाएंगे। तो दोस्तों इस चैनल के साथ बने रहिए और यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष सिखाते हैं, साथ ही साथ राशिफल भी आपको आपके बताते हैं, समय समय पर एस्ट्रोलॉजी के अपडेट बताते हैं, जैसे कि ग्रहों के गोचर, शनि साढ़े साथी या फिर सूर्य ग्रहण, चंद्रग्रहण, इस तरह से एस्ट्रोलॉजी के अपडेट भी आपको बताते हैं। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर भी जरूर करें। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।